कल के बारे में बताओ। कल के बारे में बता चुके हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल के बारे में बता चुके हैं, आप सब जानते हैं। दिल पे पत्थर रख के एक बीवी ने अपने हस्बैंड पे केस किया है, दिल पे पत्थर रख के। आपने तो आदिल से, क्योंकि उन्होंने 7 महीने से जो मुझे टॉर्चर किया था, मैं मीडिया के और पब्लिक के डर से कभी आई नहीं। मैं सोची, माँ ने भी कहा जाने दे, थोड़ा सह ले सह ले, माँ ने कहा था सह ले, एक औरत का जीवन होता है शादी के बाद, थोड़ा सह ले। माँ को मैं चोट दिखाती, माँ कितना सहूँ, माँ अब मेरी माँ ही नहीं रही है। और आज आपने देखा मुंडन है मेरे भाई का, आज श्राद्ध है, 13 भी है, और मेरे भाई के रीति रिवाज से हुआ है। मैंने अपने रीति रिवाज से मेरी माँ के लिए किया था, मेरी माँ जीसस में बिलीवर थी, मेरे भाई बहन ये लोग पूरा हिंदू रीति रिज्म से किया है, सबकी अपनी भावनाएं होती हैं। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, उनके वकील डेफिनेटली आए हैं, मुझे नहीं पता, वो मेरे वकील से बात करें, और वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। मैंने तो कोर्ट में सारे प्रूफ दिए हैं, और कल रात को पुलिस भी घर पे आई थी, वो सब चेक करने आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं मालूम। आपने इन्वेस्टिगेशन करने भी आई थी उन, हाँ मारपीट का, अभी भी आप चलिए मेरे घर में चल सकते, चलिए, पूरा टूटा हुआ है, जिस ग्लास से मुझे मारा है वो टूटा हुआ, अगर आप लोग मेरे घर आ सकते तो आप आइए। लेकिन उनके वकील ने आपके बारे में बोला है, आपने कहीं आदिल का भी कहना है कि आपने भी आदिल के ऊपर हाथ उठाया, सरासर गलत है ये अलग एंगल से ले रहे हैं आप, उधर जाइए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कभी नहीं मारा। हाँ, वो जब मुझे मारते थे तो मेरे बचाव में मैंने धक्का वक्का मारा होगा कि मत मारो मुझे, एक लड़की के लिए तुम मुझे मार रहे हो, वो दूसरी औरत के लिए तुम मुझे मार रहे हो, क्योंकि वो कह रही थी मारो उसे मारो, क्योंकि मैं उसके पैर पकड़, वो घर छोड़ के जाना चाहते थे, उनको पैर पकड़ती थी कि मत, फिर जो पैर में हाथ में लात में जो आता था वो आदिल मुझे मारता था। अभी आदिल को मेडिकल के लिए ले गए, उसको खूबसूरत चेहरे पे आप मत जाइए। अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आई है कि आप मेडिकल में डेफिनेटली लेके जाना चाहिए आदिल को, मुझे लगता है पहले से शादी, हाँ आदिल खुद ही अपने आप को मारता है, खुद ही चोट पहुंचाता है, कार में बैठ के, घर में बैठ के खुद ही मारता है, खुद ही ऐसा मार के वीडियो बनाता है। कहीं ना कहीं ये खबर आ रही है कि आदिल की पहले भी शादी हो चुकी थी एक लड़की के साथ, वो आपके साथ शादी किया। मैं आपको सारे प्रूफ दूंगी इसके लिए, ये बात सच है, लेकिन मैं आपको प्रूफ दूंगी, इसके बारे में नो कमेंट्स, थैंक यू। राखी जी, वो जो गाड़ी यूज कर रहे थे वो उनके केस में है, आदिल पे काफ़ी केस है मैसूर से, कार चोरी के, बहुत सारी चीज़ों के। जो मुझे जानते हैं डेफिनेटली उनकी प्रतिक्रिया आई है, ठीक है मैं चलती हूँ, क्या फोटो चाय पानी पी लो, राजश्री अभी तो किया कर लिया। चलो क्या करेगा, सिंगल बाइक।